कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई दैट मीन्स कुछ तो फॉल्ट है उसमें तो समझ जाओ आपके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है मुझे रोता देखकर ये भी रोने लगे इतना समझ लो कि फुट फुट कर रोया हम लोग अब गुनगुन बैठी थी वो भी रोने लगी <laughs> अभी अभी हमने हमारी खुद की शादी की वीडियो देखी जो कि मैंने आप लोगों से कहा था ना इंस्टाग्राम में कि मैं कैसे उसको मोबाइल में लेकर आऊँ तो मोबाइल में लेकर आ गए एंड uh, सब कुछ डन हो गया वो मतलब लैपटॉप से uh, मतलब सीडी से ड्राइव uh, में लाए पेन ड्राइव से लेकर इसमें लेकर आए हैं तो ठीक है वो चल रहा है मत चलाइए थोड़ा सा चला दीजिए तो मैं एक सेकेंड आप लोगों को दिखाती हूँ ये चलने लग गया hmm. तो ये चल तो रहा है और हमने हमारी बंद कर दीजिए हमने हमारी शादी की पूरी वीडियो भी देख ली अभी अभी बैठकर कर अब पुरानी बातें ताज़ा कर रहे थे hmm. ये भी अपना याद कर रहे मैं भी अपना याद कर अलग अलग याद कर रही क्या एक ही साथ है? अपना तो अलग याद कर रही मैं अपना अलग याद क्या और मैं ना मतलब मेरा खुद का विदाई देखकर इतना रो रही इतना रो रही फुट फूट के रो रही <laughs> यार कितने साल हो गए हैं कितने साल हो गए तब पर भी मतलब विदाई का वीडियो देख कर, मुझे रोता देख कर ये भी रोने लगे इतना ज्यादा रोना आ गया जैसे मतलब समझ लो कि फुट फुट कर रो हम लोग गुनगुन बैठी थी वो भी रोने लगी <laughs> मम्मी पापा क्यों रो रहे हैं नहीं तो हमारी शादी की ना वीडियो आ गई है मतलब मेरे मोबाइल में भी आ गई है अब मैं उसको एडिट करके डाल सकती हूँ रोज रोज देखने को मिलेगा भाई पुरानी स्टोरी <laughs> लेकिन यार वो उतना बढ़िया वीडियो नहीं है <laughs> हमारे पुराने जमाने का है आजकल तो इतना स्टाइल स्टाइल का चला है सब वीडियो है और क्या-क्या एंट्री -क्या -क्या रहता है आजकल तो कितने बढ़िया-बढ़िया से ये लोग शादी भी आ करते हैं आजकल नहीं। 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 हम लोगों का तो गरीबों वाला शादी है यार <laughs> एकदम गरीबों वाला शादी है हमारा गाइस आप लोगों को देख के पता नहीं कैसा तो लगेगा बोलेगा कि झुग्गी झोपड़ी में आ गए ऐसा क्यों बोलेंगे करूँगी मैं शेयर अभी उसको एडिट करूँगी उसमें गाने वगैरह लगाऊंगी उस पर बापरे कितने पुराने जमाने के गाने हैं उसमें <laughs> मैं फोटो वही रहेगा सॉन्ग सॉन्ग नया मिलेगा <laughs> हाँ लेकिन उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो बढ़िया वाली क्वालिटी नहीं फिल्टर? है फिल्टर अरे वो ऐसे ही इतना लो क्वालिटी का है अरे तो इतने बड़े बड़े वीडियो में कैसे फिल्टर लगेंगे मतलब मेरा मतलब वो ना मेरे ससुराल की तरफ का वीडियो है ना तो hmm. इनका है उसमें सब कुछ इनका हल्दी इनका मटकोर मतलब इनका hmm. सारे रीति रिवाज इनकी तरफ से. अकेले की शादी <laughs> अकेले का <की मेरे> <laughs> मेरा नहीं hmm. है उसमें क्योंकि एक तो हम लोगों को पता भी नहीं था और कुछ रस्में में भी नहीं पता थी उस समय में तो तो सब कुछ इनकी तरफ से है hmm. और शादी मतलब जब वो लोग होटल लो पहुंच गए ना तब से फिर हमारा भी है उसमें और अ एंट्री तो कितना भारी किया है मैंने उसको <laughs> <laughs> तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को देखना है कि नहीं देखना है ना नहीं। नहीं। लोग बोलेंगे तो ही ना मेहनत करूंगी यूं ही फिर आपको उसमें जिसका कि रियल मम्मी पापा भी दिखेंगे और बनावटी भी दिखेंगे <laughs> जिनको बनाया गया था कि ये मम्मी पापा रहेंगे मैरिज के टाइम में वो इंटेंशन से बनाया गया था इंटेंशन से क्योंकि मेरे मेरी मम्मी को मेरी बहनों को बिहार का कल्चर बिल्कुल भी पता नहीं था तो मेरे दो सास ससुर उसमें मिलेंगे एक रियल वाला और एक जो स्पेशली बनाया गया था टेंटेटिव। हाँ <laughs> क्योंकि ना मतलब किसी को अभी देखो सोलह साल पहले लव मैरिज करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी वो भी बिहार में मतलब ठीक है अपने गांव की लड़की से करो तो भी लोग बातें बनाते थे फिर मैं तो अलग ही कम्युनिटी से आती थी नहीं कम्युनिटी ना बोलते कम्युनिटी कास्ट है ना कहा गुजराती लड़की कहाँ बिहारी लड़का नहीं नहीं किसी को भी नहीं पता था वहाँ मैरिज में कि कहाँ के हैं किसी को पता <laughs> ही नहीं था कि मैं गुजराती हूँ हमारे दो डेट सेट हुए थे <laughs> और हमने सैटरडे संडे निकाला था क्योंकि हमारे भाई और बाकी मेरे फ्रेंड्स को छुट्टी और उसमें हुआ था ये कि सब लोग बोल रहे थे कि यार बिहार वाले बोल रहे थे कि मुहूर्त तो है नहीं <laughs> हमने बताया गुजराती मुहूर्त है घर वालों को घर तो वाले बोल रहे हैं इधर गुजरात वाले बोल रहे हैं कि इधर भी मुहूर्त नहीं है मैंने ये बिहारी मुहूर्त है तुम लोगों को नहीं समझे <laughs> so तो, हम, तो हमारा जो मैरिज हुआ था वो विदाउट मुहूर्त सैटरडे संडे ऑनलाइन मुहूर्त उसके हिसाब से हुआ था कि सैटरडे संडे हमारी भी छुट्टी हो सबकी छुट्टी हो कोई और उससे मैंने जस्ट मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस ऑन जॉब साथ में तो हमारे पास भी भी टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी तो था।, <laughs> था। जल्दी जल्दी सब मैरिज आना किल्लत रहती थी। ये कौन सा मुहूर्त कौन पंडित तुमको मुहूर्त निकाल के दिया आ, नहीं बोला भाई तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ फिर तुम्हारे दक्षिण निकल जाएगा मिलेगा नहीं जब शादी हुआ लेकिन बोलते ना मुहूर्त वगैरह ये वो अभी हो गए देखो सोलह साल तो हो गए हमारी शादी को साल चल रहा है ये है 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 ना अभी देख देख कर करके हंसी हंसी आ आ रही है हमको। आ रही हमको खुद को कर हमारी शॉपिंग भी हमने किया था दुल्हन की भी शॉपिंग हम करने जा रहे थे दुल्हे का भी शॉपिंग सब इन्होंने <laughs> ही किया था सब एक ही एक ही अकाउंट एक ही ये सब कुछ एक ही तरफ से हो रहा था मेरा शादी का जोड़ा मेरा चूड़ी hmm. जो भी थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक या जो भी बिंदी चूड़ी सब कुछ इन्होंने खरीदा था हमारे अकाउंट में अकाउंट में पैसे जमा करते थे थोड़ा थोड़ा <laughs> अपने खर्चे के लिए और मैंने हमने साथ में शॉपिंग करी hmm. थी मुंबई जाकर मुंबई में मुंबई में जाकर पुणे और मुंबई से हम लोग गए और मुंबई के मेन मार्केट में मार्के

फंगस लग गया फंगस लग गया इनकी शेरवानी में मैं मेरा शादी के बाद पांच दिन में हम लोग पूरे रिटर्न आ गए थे तो मैं मेरा लहंगा लेकर आ गई अपने साथ इनने क्या, क्या? इनने किया इनने होशियारी किया इनने क्या किया इनने अपना शेरवानी बिहार में ही छोड़ दिया अब शादी ब्याह में तो थोड़ा पसीना एंड पानी वानी तो रहता ही है तो वो ऐसे ही रखा गया और रखा रखे 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 उसमें फंगस लग गया इनकी शेरवानी में गया लेकिन मैं अपना सामान वापस लेकर आ गई थी यहाँ पे तो मेरा लहंगा है अभी तक है ना कोई याद बहुत है बहुत यादे। इतनी यादे है है याद इतनी ना कि मतलब नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही डेडिकेशन वाला है वो तो आजकल के जमाने के लिए नहीं है <laughs> उस जमाने के लिए भी नहीं था मिक्सड था मिक्स ऐसा शादी कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि एक तो लव था और उसको हमने जबरदस्ती का अरेंज किया था। मैच भी नहीं था और मैच भी नहीं था मैच भी तो मैच तो करवा लिया हमने मैच नहीं था सच बात तो यही है ये हाईली क्वालिफाइड लड़का और अभी के जमाने में तो पॉसिबल ही नहीं नहीं था हमारा कोई हमारा मतलब मिलन ही नहीं था मतलब मैच ही नहीं था हमारा बस जिद थी कि हमको शादी करनी है बस प्यार था और बोलते ना प्यार अंधा होता है हम लोगों का प्यार सिर्फ था लंगड़ा बहरा सब कुछ था इतना प्यार में दीवाने थे हम दोनों हमने बाकी लोगों को भी अंधा बनाया था भाई तुम लोग बहरे बन के बैठो गुंगे बन के बैठो हाँ। <laughs> लोगों बहुत लोगों का मुंह भी बंद करवाया था बहुत लोगों का मुंह बंद करवाया था बहुत लोगों से लड़ाई की लड़ाई भी हुआ था यहाँ तक कि मार भी खाया था और हमने तो रिवोल्ट कर दिया था था इनका। ऐसे-ऐसे बातें है ना जो कभी खत्म नहीं होंगी हमारे और आप लोगों ने ना कहीं सुनी होंगी ना कहीं देखी होंगी नहीं नहीं आपके जमाने की बस की बात नहीं है इवन फिल्मों में जब... भी ऐसी शादियां नहीं होती यार hmm. नहीं होती है हमारी कहानी पे फिल्म बन जाए ना सुपर हिट हो जाए <laughs> सच में ऐसी <laughs> कहानी फिल्म वालों को आएगा नहीं वो स्टोरी समझ में नहीं आएगा ऐसा कोई नहीं करता यार इतना जुनून वाला प्यार नहीं किसी का रहता जुनून है जुनून नहीं था भाई हमने इतना हमें ऑप्शन लोग दे रहे थे कि कर लो शॉर्टकट में कर लो मंदिर में कर लो कोर्ट में कर लो हमने ऑप्शन सुना ही नहीं हमने बोला कि नहीं मुझे प्रॉपर अरेंज करके ही करना है और सबको दिखा के करना है ट्रेंड बनाना है न्यू ट्रेंड करना है यहाँ पे दहेज लिए हमारे पास भी लास्ट लास्ट तक बहुत सारे ऑफर आ रहे थे कितने कितने महंगे महंगे ऑफर इनके पास आ रहे थे लेकिन ये ऐसा मतलब लड़का कि वो तो रिजेक्ट किए तो किए घर से पैसे लगा के शादी कर तो सब लोग यही बोलते रहे थे कैसन बकलोल बा घर से पैसा लगा के शादी नहीं, नहीं, अपने पैसे थे हाँ मतलब अपने मतलब घर के ही ना तो अपने पैसे लगाकर कर ऐसे लड़की से शादी की है लेकिन आप खुश है ना हाँ आज आप खुश है ना दिख रहा है ना चेहरे पे <laughs> <laughs> आपको ऐसा कभी पछतावा हुआ क्या कि क्यों इससे शादी की तीन तीन बच्चे हो गए हुँ। आपको हुँ। तो बहुत ऑफर मिल रही थी यार शादी ब्याह की चलो लेकिन अभी सब कुछ सही है यार तो आप लोग बताइए अगर ये सीडी आप लोगों को देखनी है मेरी शादी की देखो मैं पहले ही बता दे रही हूँ मजा नहीं आएगा <laughs> मजा नहीं आएगा आप ये सोचोगे कि एकदम बिल्कुल राजघराने की मैरिज हो रही है भाई डेकोरेशन वगैरह सब शॉर्टकट और जैसा कल्चर था जहाँ का जो नॉर्म्स थे एक्चुअली वहाँ से मैच किया हुआ है मैं मैरिज सिटी में भी कर सकता था बट आई मुझे सिर्फ इतना था कि जो नॉर्म्स है जो कल्चर है जो वहाँ पे चलते आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे सब कुछ फॉलो करना है उसके लिए हमने जाकर वहाँ से इनको क्या था ना कि शादी तो इसी लड़की से करूँगा और दूसरा क्या था कि देखो गाँव में ना खानदान इज्जत ये सब बहुत मायने रखता है तो कोई नाम ना उठाए क्योंकि पीछे भाई बहन भी है है ना इनके छोटे छोटे तो उस हिसाब से सब कुछ मैच करके लिया कि गांव में ही शादी करूंगा सारे रीति रिवाज के साथ करूंगा और इसी लड़की से करूंगा प्लस हमारे यहाँ एक और रिवाज है कि बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना होता भोज वो तो है भी नहीं इसमें अकॉर्डिंग <laughs> भाई <भाएं साथ। laughs> तो हमें ऐसा था बचपन से था कि मैं भी मैरिज करूंगा तो कम से कम दस हजार लोगों तो खाना खिलाऊंगा इनका तो बचपन सपना था <laughs> तो मैंने वो किया तो और भी था कि भी हम पंडित को नाई को धोबी को इनको बहुत सारे क्या बोलते हैं दक्षिणा देंगे गिफ्ट्स देंगे पैसे देंगे बहुत सारे पंडितों को बुलाएंगे तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी तो उन्होंने अपने बचपन के सपने पूरे किए <laughs> <laughs> और तो बहुत सारी स्टोरी है उसमें हमारे एक पंडित जी है जिन्होंने पूजा करवाया वो स्पेशली उनको समझो उठा के लाया गया था कि भाई तुमको ही पूजा करना है ढूंढ के लाया गया था क्योंकि बहुत सालों पहले मैरिज के दस साल पहले भी किसी से मैंने एक कमिटमेंट किया था कि भाई जब भी मेरी शादी होगी पंडित तुमको ही बनाऊंगा <laughs> सारे कमिटमेंट अपने पूरे किए हैं और उन्होंने मुझे वादा किया था हमारा प्यार भी साधारण नहीं चार साल चला था हमारा लव अफेयर तो मुझे नहीं लगता था कि मुझसे शादी करेंगे क्योंकि मैं किसी भी एंगल से इनके लायक नहीं थी ना तो खूबसूरती में ना ही पैसों में खूबसूरत नहीं हो भाई बताओ तू देखो भाई आप ज्यादा खूबसूरत है आप ज्यादा अच्छे दिखते आज भी ये ज्यादा अच्छे दिखते सच बात है तो कौन से एंगल से अच्छा दिखता हूँ तो मैं किसी भी इससे इनके लायक नहीं थी लेकिन फिर भी प्यार था प्यार है तो मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा बस यही जीत थी किससे शादी नहीं करूंगा तो किसी से भी नहीं करूँगा पहले hmm. मम्मी को पटाया hmm. मम्मी ने पापा को पटाया hmm. <laughs> hmm. हमारा हमारे खानदान का पहला लव कम अरेंज था हुआ ही नहीं, जो नहीं उसके हुआ, पहले कभी नहीं होता है बहुत ही वहाँ का कल्चर बहुत अलग है जो लोग भी गांव से बिलोंग करते होंगे बिहार से यूपी से बिलोंग करते होंगे समझ जाएंगे कि वहाँ पे सब नहीं तो हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते हो नहीं कैसा वहाँ पे माहौल कैसा था यार दो तो भाई ऐसा नॉट ओनली सबको ना दो तीन तरह के लॉस समझ में आता है पहला तो चलो ठीक है इज्जत कि भाई हमारा इज्जत प्रतिष्ठा ये जा रही है तो सबसे पहले वो और दूसरा एक मॉनेटरी लॉस भी सबको समझ में आता है दोस्तों कि भाई हमारा दहेज जाएगा दहेज, जा रहा है। सब दहेज। <laughs> और सबसे बड़ा कि दहेज और ऑफर कि भाई इतने हैं उसके बाद सेकंड थिंग दहेज जो है वो पैसे ही नहीं वो एक पार्टिकुलर पर्सन का ना स्टेटस बताता था तो उस टाइम इफ़ यू आर गेटिंग अगर आपको अच्छा दहेज मिल रहा है मतलब आपके पास अच्छी क्वालिटी है आप उतना काबिल हो इफ यू आर नॉट गेटिंग दहेज अगर आपको दहेज नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ आपके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है कुछ ना कुछ खोट है आपने तो इसको जस्टिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम में क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों को सुनना मिला ऐसा कि शायद तो कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा तभी तो बिना पैसे का सब मैरिज कर रहे हैं ऐसा भी। आज आज भी है वो ट्रेंड कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको अगर दहेज नहीं मिल रही लड़का को दहेज नहीं ले रहा है देट मीन्स कुछ तो फॉल्ट है उसमें नहीं तो दहेज सामने से लोग दे रहे हैं क्यों नहीं ले रहे हैं कुछ बिना लिए दिए कैसे मैरिज करेंगे तो एक तो पैसा दहेज नहीं दिया मैं पूरी नहीं। दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते पूरा कल्चर को तो चेंज नहीं कर सकते बट चलो मैंने अपने आसपास अपने बच्चों के लिए या अपने लिए अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ तो ट्रेंड सेट किया था <laughs> <थे> फ्री <laughs> फ्री में शादी फ्री की है। <laughs> है। फ्री में शादी है। एक पैसा ना दहेज ना घर का सामान ना कुछ भी नहीं लेकिन तो आज सब कुछ है आज किसी चीज की कमी नहीं है है ना किसी को कमी होगी सब कुछ है चलिए ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है मिलते हैं बाद में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी शादी किस चीज़ देखनी है तो मैं आज रात को एडिट करूँगी एडिट करने में बहुत समय जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस है तो कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर sure कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बाय